अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ जीन्स के साथ वेयर करने के लिए टॉप के बहुत ही खूबसूरत और यूनिक से आइडियाज़, जो इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएंगे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग सी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, ऑल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसे प्रेस कर देने से मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगा। तो गाइस, बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और यूनिक से स्टाइलिश से टॉप के ये डिज़ाइन है। आप इस तरह की टॉप कुर्तीज़ जो हैं जीन्स के साथ वेयर कर सकती हैं समर सीज़न में। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आप इस तरह की टॉप जो है वो खुद घर पर भी स्टिच कर सकती हैं। बहुत सिंपल से आइडियाज़ हैं, अगर आपको स्टिचिंग आती है तो ये आप आइडियाज़ खुद घर पर बना सकती हैं। अदरवाइज़ फ्रेंड्स, आप कोई भी जो आपको टॉप पसंद आया हो उसका स्क्रीनशॉट लें और उस तरह का आप रेडी टू वेयर ड्रेसेस की शॉप से ऑर्डर पर भी तैयार करवा सकती हैं, या फिर आप वहाँ से स्टिच किया हुआ इससे मिलता जुलता टॉप भी ख़रीद सकती हैं। अदरवाइज़ फ्रेंड्स, आप चाहें तो इस तरह से अपनी टेलर डिज़ाइनर से भी स्टिच करवा सकती हैं। बहुत ही खूबसूरत और यूनिक से आइडियाज़ हैं, इंशाल्लाह आपको तमाम जो टॉप के डिज़ाइन हैं वो बहुत पसंद आए होंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, आप कलर्स का भी आइडिया ले सकती हैं। एम्ब्रॉयडर्ड है ये एक टॉप, और आप बटन्स के साथ भी इनको स्टाइलिश बना सकती हैं, लेसिस के साथ भी बना सकती हैं। आप के साथ मैंने इस वीडियो में काफ़ी आइडियाज़ जो हैं वो शेयर किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको तमाम आइडियाज़ जो हैं वो पसंद आए होंगे, और इन आइडियाज़ को देखने के बाद आपको काफ़ी अंदाज़ा और मिल जाएगा कि किस तरह के आजकल टॉप जो हैं वो चल रहे हैं ट्रेंड में, और आपको किस तरह का बनाना चाहिए। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।